हेलो एवरीवन टुडे टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर इंग्लिश चैप्टर लेसन नंबर ट्वेल्व हाउ आई ट्रोट माय ग्रैंड मदर टू रीड सो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर गुड स्टोरी अबाउट अ डॉटर एंड अ ग्रैंड मदर सो लेटेस्ट स्टार्ट व्हेन आई वॉज ट्वेल्व हियर द राइटर इज सेंग अबाउट हर सेल्फ कि जब वो बारह साल की थी आई यूज टू स्टे इन अलेज इन अ नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका की एक विलेज में रहती थी दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा नहीं था गाड़ियों की कमी थी सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून सो जो सुबह पेपर मिलना चाहिए था वो हमेशा उनके पास दोपहर तक पहुंच पाता था द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट और वीकली मैगजीन तो एक दिन बाद ही आता था ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस सो लोग जो है लोग यानी कि यहाँ यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है जो बुक पढ़ना और सुनना चाहते थे ठीक है मैगजीन के बारे में जानना चाहते थे वो काफी ईगरली ठीक है बहुत उत्सुकता से बस का इंतजार करते थे विथ यूज टू कम विद द पेपर जो कि पेपर लेके आती थी ठीक वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट तो उसमें पोस्ट आते थे वीकली मैगजीन आता था और न्यूज आता था उसके लिए जो पढ़ते थे जिन्हें पढ़ने का शौक था वो लोग काफी ईगरली वेट करते थे बस का कि बस कब आए और वो लोग न्यूज़पेपर पेपर पढ़े या मैगजीन पढ़े एट दैट टाइम उस टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज सो त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे कौन से लैंग्वेज में कन्नड़ लैंग्वेज में शी वॉज ए वंडरफुल राइटर बहुत ही अच्छा लिखती थी हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एन वेरी कन्विंसिंग सो बहुत इजी वे में वो लिखती थी और बहुत ही कन्विंसिंग होता था लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता था उनके दिलों दिमाग में उतर जाता था वन ऑफ आर नॉवेल्स काशी यात्रा अपियर इन सीरियल फॉर्म इन कन्नड़ वीकली कर्मवीर देन ठीक है तो वीकली जो मैगजीन आता था उसका नाम था कर्मवीर और उसमें एक नॉवेल का पार्ट छप के आता था उनका उसका नाम था काशी यात्रा ठीक है जो कि कन्नड़ वीकली मैगजीन कर्मवीर में छपता था इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्ड एंड डिजायर टू गो टू द काशी और वाराणसी सो so, ये काशी यात्रा एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसकी बहुत इच्छा थी कि वो काशी और वाराणसी की यात्रा करे मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य सो मोस्टली हिंदू मानते ही हैं कि यानी कि मरने से पहले ठीक है अपने ओल्ड एज में ही उन्हें काशी ये जाकर ठीक है काशी की यात्रा कर लेनी चाहिए वहां जाके लोड यानी कि वहाँ के भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे कि काफी पुण्य प्राप्त होता है यही बिलीव ये यह, यहाँ पे ग्रैंड मदर का भी था और वो चाहती थी कि अपने ओल्ड एज में यानी कि जो काशी यात्रा की जो ओल्ड लेडी है उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी काशी की यात्रा करे और जाके वहा लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करके पुण्य प्राप्त करे दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस and her struggle to go there is described in that novel. So उस lady लेडी की जो ardent desire है ठीक है और वो किस तरीके से उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करती है वो इस novel में लिखा हुआ है in the story there is also a young orphan girl. उसी story में काशी यात्रा में एक ओल्ड लेडी है और दूसरी कौन है ऑर्फन गर्ल है एक अनाथ लड़की है हु फॉल्स इन लव ठीक है जिससे किसी से प्यार हो जाता है बर्थेयर इज नो मनी लेकिन उसे शादी करने के लिए वेडिंग करने के लिए कोई भी पैसा उसके पास नहीं है इन द एंड अंत में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स ठीक है तो ओल्ड लेडी क्या करती है अपना सारा पैसा किसे दे देती है उस लड़की को दे देती है काशी यात्रा जाए बिना विदाउट गोइंग टू काशी शी सेज उसने कहा ठीक है दादी ने कहा ओल्ड लेडी ने कहा द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल ठीक है इस अनाथ लड़की की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ठीक है इट्स मोर देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर भगवान को की यात्रा पर जाके उनके दर्शन करके उनकी पूजा करने से भी बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है उस लड़की की खुशी माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका ठीक है तो अब ये जो राइटर हैं उनकी ग्रैंड मदर का नाम है क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल वो कभी स्कूल नहीं गई सो शी कुड नॉट रीड इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था एवरी डे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड ऑफ द ऑफ दिस स्टोरी टू हर ठीक है तो हर बार क्या होता था कि जब मैगजीन आती थी तो यहाँ पर उसके जो न्यू एपिसोड्स होते थे वो राइटर उन्हें पढ़ के सुनाती थी हर वेडनेसडे को ड्यूरिंग दैट टाइम शी फॉरगेट ऑल हर वर्क सो जब भी ये मैगजीन आता था वो काफी ईगरली मैगजीन का वेट करती थी और जब वो सुनाती थी अपना सारा काम छोड़ के वो सबसे पहले क्या करती थी वो मैगजीन के नॉवेल का पार्ट पर, पर, वो जो बेटी पढ़ती थी ठीक है राइटर पढ़ती थी वो सुनती थी बैठ के एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी मेरी राइटर कहती है की मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटेगोनिस्ट ठीक है तो और वो अपने आप को जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं तो हम अपने आप को लीड फीमेल जो एक्टर रहती है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि उसके साथ ऐसा हो रहा है हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो कई चीजें मिलती हैं ठीक है ठीके? तो ऐसा ही ये भी अपने आप को उसमें क्या करें सरा अपने आप को उसकी इमेज में देख रही है कि मैं भी आकाशी नहीं गई ठीक है और उनकी भी काफी काशी जाने की इच्छा थी सो so, उसकी जो फीमेल लीड है जो ओल्ड लेडी है ठीक है वो दादी माँ अपने आप को उनकी तरह मान रही थी ठीक है पोरोटेगोनिस्ट मीन्स फीमेल लीड ऑफ द नोवल सो मोर देन एनी बडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी ठीक है सो यहाँ पर दादी जो थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी बाकी उसे, बाकी लोग भी सुनते थे लेकिन सबसे ज्यादा कौन इंटरेस्टेड थी यहाँ दादी माँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि अब स्टोरी में आगे क्या हो रहा है एंड यूज टू इंसिस्ट डेट और वो हमेशा उसे इंसिस्ट करती थी कि वो उसे जल्दी से पढ़ के सुनाए रीड द स्टोरी सीरियल आउट टू हर शादी के लिए बाहर चली जाती है विथ माई कजि अपने टू ए ने इन दो वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट सो पहले के जमाने में वैसे भी वेडिंग तीन से चार दिन चलती थी जिसमें सब बहुत मजे करते थे सो so, आपकी तरह नहीं है कि मतलब रात में हुआ आधे लोग आये खाना खाके चले गए ठीक है एक आध दिन पहले सारे जो रिश्तेदार भी आते हैं वो एक आध दिन पहले आते हैं और शादी के दूसरे दिन निकल जाते हैं तो पहले ऐसा नहीं होता था तीन से चार दिन सिर्फ वेडिंग के दिन होते थे और तैयारियां तो पहले से होती थी तो बहुत यहाँ पे भी उस वक्त की बात है जब ग्रेट इवेंट होता था विथ चिल्ड्रन तो उसमें सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता था बच्चे क्योंकि सब बड़े तो अपने आप काम में बिजी हैं बातों में बिजी हैं तो बच्चे सब अपने खेल में बिजी हैं ठीक है तो सबसे ज्यादा इन्जॉय कौन करता था बच्चे वी वी चिल्ड्रन सेल्फ थोरोली वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली कोई उन्हें रोक टोक तो करने वाला नहीं है जब चाहे खाया जब चाहे खेला सेवरिंग द फ्रीडम अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हुए बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी थे आई वॉन्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक सो दो चार दिन के लिए गई थी लेकिन वहां उन्हें आते आते एक हफ्ता बीत गया वेन आई कैम बैक टू माई विलेज आई अपने गाँव आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीय उन्होंने अपनी दादी माँ को आंखों में आंसू देखाइज काफी सरप्राइज हुई हैरान हुई फॉर आई है इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन सो घर के यानी की मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी ठीक है उन्होंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा तो पहली बार उन्होंने उसने रोते देखा वॉट हैड है मुझे काफी यहाँ पर वरी हुआ ठीक है मैं काफी परेशान हुई कि दादी को क्या हुआ ठीक है चिंता हुई उनकी अब्बा इस एवरीथिंग ऑल राइट आर यू ओके तो वो अपनी दादी को अब्बा बोलती है कन्नड़ में ठीक तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या सब ठीक है आप ठीक हो आपकी तबीयत ठीक है ठीक है तो जवाब दिया हाँ सब ठीक है लेकिन कुछ मुझसे नहीं बोला आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इस वक्त यहाँ पे इन्हें कुछ राइटर को समझ में नहीं आया बट फॉर द इंसिडेंट ठीक है तो वो उस इंसिडेंट को भूल गई उन्होंने हिलाया क्योंकि अभी तो बच्ची है उन्होंने मुंडी हिलाया कि नहीं कुछ नहीं हुआ तो वो भी भूल गई इन द नाइट आफ्टर डिनर उस रात खाना खाने के बाद वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस ठीक है तो वो छत में सो रहे थे यानी कि सोने की तैयारी ही कर रहे थे इट वॉज अ समर नाइट ठीक है तो वो समय कौन सा था वो गर्मियों की रात थी अंदर वॉज अ फुल मून और फुल मून का यानी कि पूर्णिमा का की नाइट थी अब अम ठीक है तो उनके पास कौन आती है रात में फिर दादी आती है उनकी एंडसेट नेक्स्ट टू मी और उनके राइटर के पास बैठ जाती है हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड ठीक है तो वो धीरे से अपना हाथ जो है वो उनके फोरहेड में रख देती हैं प्यार भरा हाथ उनके फोरहेड में रख देती हैं। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक तो इन्हें रियलाइज होता है कि दादी उनसे कुछ कहना चाहती है आई आस्क हर ठीक है राइटर ने उनसे कहा वॉट इज द मैटर क्या हुआ दादी When I was a young girl, जब मैं एक यंग गर्ल थी I lost my mother. ठीक है ये कौन बता रहा है दादी कि जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तब मेरी माँ गुजर गई There was nobody to look after and guide me. ठीक है मुझे मेरी देखभाल करने वाला और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था मैं माई फादर वॉसे बिजी मैन मेरे पापा काफी बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली इन दोज डेज मैरिड वेरी यंग पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स उस टाइम लड़कियों को पढ़ाना कोई जरूरी नहीं समझता था सो आई नेवर वेंट टू स्कूल इसलिए मुझे स्कूल कभी इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड चिल्ड्रेन सो मेरी शादी जल्दी हो गई जल्दी शादी हुई तो बच्चे भी जल्दी हो गए आई वी कैम वेरी बिजी तो अब इन सब में मैं तो उसी में काफी बिजी हो गई शादी और बच्चों में बिजी हो गई लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन तो बच्चे जल्दी हुए बच्चों की शादी जल्दी हुई तो ग्रैंड चिल्ड्रेन भी जल्दी हो गए एंड ऑल ऑलवेज फेल्ड सो मच इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू सो और मुझे हमेशा एक बात की खुशी रहती थी ठीक है कि अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रंस को खिलाने पिलाने में उनकी खुशी देखने में ही मैं हमेशा खुश रहती थी एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल बट अब मुझे काफी दुख हो रहा है कि मैंने पछतावा हो रहा है कि मैं कभी स्कूल क्यों नहीं गई सो आई मेड श्योर डेट माई ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे जो है वो कई बार ये पछतावा था कि मैं स्कूल नहीं गई इसलिए मैंने ये अपने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन को नाती पोतों को इस जरूर पढ़ाऊंगी I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12 years old the story of her life in the middle of the night. So नाइट यहाँ बच्ची सुन तो रही थी ठीक है उनकी जो ग्रैंड वाटर थी यानी राइटर जो है वो दादी माँ की बातें तो सुन रही थी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जो सिक्सटी टू ईयर्स ओल्ड दादी है ठीक है सो वो उन्हें ठीक है यानी कि जो 12 साल की एक बच्ची को अपनी जिंदगी की स्टोरी वो भी आधे रात में क्यों सुना रही है बट आई न्यू लेकिन वो जानती थी आई लव हर इमेंसली वो उन्हें बहुत प्यार करती थी एंड देयर हैड टू बी रीजन और वहाँ जरूर कुछ रीजन होगा कि वो इस तरीके की बातें रात में उनसे क्यों कर रही थी वाइ शी वॉज टॉकिंग टू मी आई लुक डेट हर फेस वो उनके चेहरे की तरफ देख रही थी इट वॉज अनहैप्पी वो काफी उनकी दादी काफी दुखी थी और अपनी स्टोरी बता रही थी और उनकी आंखें में आंसू भरा हुआ था अव डोंट ट्राई ठीक है राइटर ने कहा कि दादी मत रो। व्हाट इज द मैटर क्या बात है क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ यस आई नीड योर हेल्प दादी ने कहा हा मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी मदद की जरूरत है यू नो वेन यू वर अवे क्या तुम जानती हो जब तुम यहाँ नहीं थी जब तुम बाहर गई थी कर्मवीर आया था कर्मवीर जो मैगजीन है वो आया था एज ए यूजल जैसे हमेशा आता है मैंने मैगजीन बहुत उत्सुकता से खोली आई सो दिक्चर मैंने पिक्चर देखी डेट ए द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा जो काशी यात्रा में स्टोरी में जो पिक्चर आती है वो मैंने बहुत उत्सुकता से देखा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग लेकिन मुझे उसमें कुछ भी लिखा हुआ समझ में नहीं आया आई वेटेड ईगरली फॉर यू मैं तुम्हारे लिए काफी वेट कर रही थी कि तुम जल्दी आओ और मुझे ये पढ़ के फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी मैंने सोचा तुम आके मेरे लिए पढ़ दोगी जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी आई कुड है मैंने सोचा कि मैं किसी से जाके इसे पढ़वा लू इन दिस विलेज ठीक है गांव में जाके किसी से पढ़वा लू और सुन लू बट आई वॉज टू एम्बे टू डू सो लेकिन मुझे इस बात के लिए काफी शर्म आई कि मैं किससे जाके बोलू कोई भी कहेगा की अनपढ़ है आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस तो इस जैसे मुझे काफी यहाँ पे डिपेंडेंट दूसरों पर निर्भर और हेल्पलेस फील हुआ कि मैं अपने आप की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ वी आर वेल ऑफ बट वॉट इज द यूज ऑफ मनी हम लोग हर तरीके से परिपूर्ण है ठीक है हर तरीके से हर चीज हमारे पास है धन दौलत है पैसा है ठीक है लेकिन क्या उस पैसे की क्या कीमत है जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पर डिपेंडेंट ही हूँ आई डिड नोट नो आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर ये सब सुनने के बाद ठीक है वो बारह साल की बच्चे जो होती है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दादी को क्या बोले और दादी ने कंटिन्यू किया आई डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ मैंने सोच लिया है कि मैंने कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ूंगी कल से आई विल वर्क वेरी हार्ड मैं काफी मेहनत करके सीखूंगी आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा मैं दशहरा में सरस्वती पूजा करूंगी एज द डेड ठीक है तो यानी कि सरस्वती पूजा मैं करूंगी दशहरा में और दशहरा से पहले पढ़ना, मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ बहुत मेहनत करूंगी आई सो दिटरमिनेशन ऑन हर फेस बारह साल के बच्चे जो राइटर है इन्हें इन्होंने देखा कि उनकी दादी काफी डिटरमाइंड है काफी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो पढ़ के ही रहेंगे और ये उनके चेहरे से झलक रहा था यट आई लाव टैटर लेकिन उन्हें फिर भी हंसी आ गई है तो बच्ची अब अब्वा एट दिस एज क्या तुमने बुढ़ी हो गई हो और इस एज में पढ़ोगी पढ़ना लिखना सीखोगी तुम तो सिक्सटी टू ईयर्स की ओल्ड हो गये हो और तुम अभी अक्षर ज्ञान लेना चाहती हो ऑल योर हेयर इज ग्रे देखो तुम्हारे सारे बाल पक गए हैं योर हैंड्स आर रिंकल तुम्हारे हाथों में झुरिया पड़ गई हैं यू वेस्ट स्पेक्टिकल्स तुम चश्मा लगाती है एंड यू वर्क सो मच इन द किचन और तुम किचन में इतना काम करती हो फॉर अ गुड केस कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड सो दादी उनका जवाब दे रही हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और आप उसके लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं सो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल तो तुम किसी भी यानी कि यहाँ पर कोई भी पहाड़ को पार कर सकती हो कोई भी डिफिकल्टी को हटा सकती हो और कोई भी अपने रास्ते में आने वाली बाधा को हटा सकती हो आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी जितना सब करते हैं मैं उनसे ज्यादा मेहनत करूंगी लेकिन मैं ये करके रहूंगी फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार पढ़ने लिखने का कोई भी एज नहीं होता है कभी भी पढ़ा लिखा जा सकता है अगर सामने वाला पर्सन डिटरमाइंड है तो द नेक्स्ट डे आई स्टार्ट माई ट्यूशन दूसरे दिन से स्टार्ट ट्यूशन स्टार्ट हो गया अब्बा वॉस अ वेरी वंडरफुल स्टूडेंट अब्बा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट बनी उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही वो कर रही थी अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड डि अमेजिंग ठीक है उन्हें बहुत सारा होमवर्क मिलता था और वो सारा होमवर्क कर डालती थी शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइड वो उसे पढ़ती रहती थी रिपीट करती रहती थी और उसे बोलती रहती थी आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट ठीक है तो वो मेरी मैं उनकी पहली टीचर थी एक ही टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी लिटिल did आई नो दैन दैट वन डे आई वॉज यू वुड बी बिकम a टीचर इन द कम्प्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट सो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये दादी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट होंगी और उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी बड़ी होकर दशहरा फेस्टिवल के मैसेज यूजल सो ये सब चलता रहा और दशहरा देखते देखते दशहरा फेस्टिवल आ गया सीक्रेटली आई ब्रॉट काशी यात्रा ठीक है तो बिना दादी को बताए उन्होंने चोरी छुपे सीक्रेटली काशी यात्रा बुक लेके आई विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम उस टाइम पे नॉवल पब्लिश हो चुकी थी पहले कर्मवीर मैगजीन में उसका पार्ट आते थे अब वो पूरी बुक पब्लिश हो गई थी माय ग्रैंड मदर मी टू द पूजा प्लेस सो दशहरा में पूजा वाली जगह में ग्रैंड मदर ने उन्हें बुलाया और फिर उन्हें एक स्टूल पर बैठा दिया उन्होंने एक गिफ्ट दिया उन्हें जो कि एक फ्रॉक मटेरियल का था देन शी डेड समथिंग अनयूजल शी बेंड डाउन एंड टच माई फील ठीक है तो उन्होंने उस दिन कुछ अलग किया उन्होंने वो झुकी और मेरे पैर छुए आई वॉज सरप्राइज मैं काफी सरप्राइज थी ठीक है चकित आश्चर्य चकित थी और मुझे कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था वो स्टेकर न बैक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ये क्या कर रही हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंग ठीक है बड़े कभी छोटों को पैर नहीं छूते वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड हम हमेशा भगवान की पैर छूते हैं अपने बड़ों के पैर छूते हैं और टीचर्स के पैर छूते हैं ठीक है वी कंसिडर डेथ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ये सब हम एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए करते हैं शी सेड उन्होंने कहा आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर ठीक है नॉट माई ग्रैंड डॉटर सो जब दादी ने देखा कि उनके चेहरे पे क्या भाव है वो आश्चर्यचकित हैं, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रही मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ जिन्हें मुझे पढ़ाया लिखना पढ़ना लिखना सिखाया अ टीचर हु टॉट मी वेल एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया विथ सो मच अफेक्शन डेट आई कैन रीड माई रेड एनी नॉवेल इतने अच्छे से सिखाया इतना ध्यान दे के सिखाया कि मैं अब कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इतने कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ नाउ आई एम इंडिपेंडेंट अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ कोई भी बुक पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ने के लिए अब मुझे किसी और पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इट इज नॉट रिटर्न इन अवर स्क्रिप्चर्स हमारे किसी भी स्क्रिप्चर्स में पुराण ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है डेट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड ए रिस्पेक्टिव वॉ द जेंडर एंड एज ठीक है वैसा कहीं नहीं लिखा है कि टीचर छोटा हो छोटा नहीं हो सकता है बड़ा ही हो सकता है उसकी एज छोटी नहीं हो सकती है उस, या तो लड़की नहीं हो सकती है बच्ची नहीं हो सकता है कुछ कहीं नहीं लिखा है ठीक है टीचर होने की कोई एज बार नहीं है कोई भी किसी को भी पढ़ा समझा सकता है आई डिड नॉट रिटर्न द नमस्कार आई डिड रिटर्न द नमस्कार सो बदले में उन्होंने नमस्कार किया टू हर बाय टचिंग हर फीट उनके पैर छूकर उन्हें नमस्कार किया एंड गेव माई गिफ्ट टू माई और मैंने अपना गिफ्ट जो है वो उन्हें दिया जो कि उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी सी अपन इट एंड रीड इमिडियटली जल्दी से उन्होंने उसे खोल के देखा और पढ़ना स्टार्ट किया पढ़ा और जिसका टाइटल था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम तो ये देख के वो काफी खुश हो गई नोवेल देखे आई न्यू देन लेट माई स्टूडेंट हैड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स तो वो जब भी उनमें विश्वास था कि जब भी मेरी स्टूडेंट ये नोवेल देखेगी तो उनके चेहरे पे खुशी की झलक आ जाएगी काफी खुश हो जाएंगी और बिल्कुल वही हुआ सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर